students, welcome to our channel Fisheries Science Education. So today we are going to discuss another new subject, which is freezing technology, and this subject comes under third semester of BFSC. तो आज हम एक नया subject discuss करेंगे freezing technology, और ये subject third semester में आता है. So now let's start. So this course, it deals with preservation of fish. So this course deals with preservation of fish by So in this course we will learn about preservation of fish by chilling and freezing. Also, fish is very perishable, so it needs immediate freezing, right? So as our fish is very perishable, so we need to freeze it immediately or we need to chill it. तो ये जो हमारा fish है वो बहुत ही perishable है, इसीलिए हमें इसे chilling या तो freezing करना होगा. So freezing है जो fish का, हम जब freezing करेंगे तो वो freezing start होगा at -1 to -2 degree. Okay, तो freezing starts at -1 to -2 degree Celsius. तो ये टेम्परेचर पे हमारा जो फ्रीजिंग है वो स्टार्ट होगा फिश में. एंड जब फ्रीजिंग हो गया तो फिर हमें जो हमारा फिश है उसको प्रिजर्व भी तो करना है फ्रीजिंग में. तो उसे फ्रीजिंग में प्रिजर्व करने के लिए हमें जो टेम्परेचर रखना होगा वो है -20 degree Celsius, लेस देन दैट. ओके, तो इससे लेस में हमें उसे स्टोर करना है. ओके, तो ये जो फ्रीजिंग सिस्टम है वो फर्स्ट मैन मेड फ्रीजिंग सिस्टम हुआ था, वो आइस और सॉल्ट का मिक्सचर था. आइस सॉल्ट मिक्सचर विच इज फर्स्ट मैन मेड फ्रीजिंग सिस्टम. ओके, तो ये जो फ्रीजिंग सिस्टम था वो, इसका पेटेंट था ई पाइपर के पास. इन द ईयर 1861. ओके, तो 1861 में ई पाइपर ने इसका पेटेंट लिया था, जो कि फर्स्ट मैनमेड फ्रीजिंग सिस्टम था. ओके, तो हमने क्या देखा कि जो इस कोर्स में हमें प्रिजर्वेशन करना है फिश का बाय चिलिंग एंड बाय फ्रीजिंग. ओके, सो हमारे जो फिश है वो बहुत पेरिशेबल है, इसीलिए हमें उसे इमीडिएट फ्रीजिंग करना होगा. तो ये जो फ्रीजिंग है वो हमारा स्टार्ट होगा एट -1 to -2 degree Celsius, एंड फिर फ्रीजिंग होने के बाद उसे स्टोर करना होगा. तो स्टोर कब करेंगे? लेस देन 20 degree Celsius में, -20 degree Celsius. ओके, तो ये जो आइस और सॉल्ट का मिक्सचर है वो फर्स्ट मैन मेड फ्रीजिंग सिस्टम था, जो कि इसका पेटेंट लिया था ई पाइपर ने इन 1861. ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रीजिंग प्रोसेस के बारे में. तो ये जो फ्रीजिंग है वो कैसे होता है, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो फ्रीजिंग होता, फ्रीजिंग को हम दूसरे शब्द में रेफ्रिजरेशन भी बोलेंगे. जो हम रेफ्रिजरेशन है उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है, वो है heat is removed from a body or atmosphere which is cooled and transferred to another medium. Okay, तो इसमें सिंपली क्या हुआ है, समझ लीजिए यह हमारा एक बॉडी है. ओके, बॉडी है, तो इसे हमें कूल करना है.
और ये हमारा एक मीडियम है, समझ लीजिए एफ रेफ्रिजरेंट है, ओके। ये ऑलरेडी हमारा कोल्ड है, इसमें से जो हीट होगी वो इसमें ट्रांसफर होगी, ओके, हीट विल बी ट्रांसफर। तो ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, हीट ट्रांसफर होगी और ये जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो कूल होगा। ये अपना हीट है वो इसे ट्रांसफर करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी कूल था, तो ये हीट इसमें से ट्रांसफर होगी तो ये प्रोडक्ट हमारा कूल होगा। यही है रेफ्रिजरेशन का एक बेसिक प्रिंसिपल है, ओके, एक बेसिक प्रिंसिपल है ये। तो इस रेफ्रिजरेशन में हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, ओके। तो इसी में हम जो रेफ्रिजरेटर है वो वर्क करता है इस सिस्टम में। सो दिस इज अ सिंपल डायग्राम ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इन दिस देयर इज कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर एंड दिस इज एक्सपेंशन वॉल्व। And this is evaporator. So in this what happens, in a compressor high temperature in vapor form refrigerant enters and it compressor compresses this refrigerant and it comes out with high pressure and high temperature in vapor form, okay. After that it enters in condenser. Here in condenser refrigerant get condenses, also its temperature decreases, low temperature, but pressure remains the same, which is high pressure. And after that the refrigerant comes to this receiver where it receives this all this refrigerant, and after receiver it goes to the expansion valve. Here this high pressure will get converted into low pressure, so here a pressure will also decrease and temperature is already low. And in this condenser our state is changing from vapor to liquid, and here somewhat vapor is there and plus liquid. So in this form this refrigerant enters to the evaporator, okay. In evaporator it absorbs the heat from the object and comes out with high temperature again in vapor form. As temperature is increased, so in vapor form. So simply इन दिस इसमें क्या होता है कि ये एक कंप्रेसर है, कंप्रेसर में विथ हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट एंटर होगा एंड देन कंप्रेसर है वो उसे कंप्रेस करेगा रेफ्रिजरेंट को, तो इसका टेम्परेचर भी हाई होगा और प्रेशर भी हाई होगा और ये वेपर फॉर्म में होगा। फिर कंप्रेसर से वो कंडेंसर में आएगा, कंडेंसर में कंडेंसर कंडेंस करेगा, कंडेंस यानी जो टेम्परेचर है उसको लो करेगा और प्रेशर हाई रहेगा, बट जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ वेपर था यहाँ लिक्विड हो जाएगा, ओके। फिर वो रिसीवर में रिसीव करेगा, फिर रिसीवर से वो एक्सपेंशन वॉल्व में जाएगा, एक्सपेंशन वॉल्व में क्या होगा कि जो प्रेशर हाई था उसे डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज होगा और हमारा टेम्परेचर भी लो ही होगा, बट इसमें स्टेट होगा वो वेपर और लिक्विड दोनों हो जाएगा। एंड देन जो हमारा यहाँ से एक्सपेंशन वॉल्व है उसमें से जो रेफ्रिजरेंट निकलेगा वो फिर इवोपरेटर में जाएगा, तो इवोपरेटर में वो रेफ्रिजरेंट होगा वो हीट एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम ऑब्जेक्ट विच इज कैप्ड इनसाइड अवर फ्रिज, ओके। तो ये सिंपली फ्रिज है, जो हम यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट डालेंगे तो उसमें से हीट एब्जॉर्ब होगा हमारा, तो फिर ये जो रेफ्रिजरेंट है वो फिर इसमें से बाहर निकलेगा एज अ वेपर फॉर्म और इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि सारे प्रोडक्ट में से वो टेम्परेचर हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो इसीलिए उसका टेम्परेचर हाई होगा, तो फिर वो हाई टेम्परेचर फिर से कंप्रेसर में जाएगा। इसी तरह हमारी ये जो पूरी साइकिल है वो कंटिन्यूस रहेगी। ये था सिंपल हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ओके। तो अब हमने ये वाले डायग्राम में देखा कि हीट रिमूव होगी यहाँ पर, तो हीट कौन कौन सी रिमूव होगी अब वो देखते हैं। सो हीट रिमूव इन फ्रीजिंग, सो टोटल इन दिस देयर आर थ्री स्टेजेस। So in first stage hamara specific heat of water will be removed,
फर्स्ट स्टेज में जो हीट रिमूव होगा वो होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि जो हमारा प्रोडक्ट में वाटर कंटेंट है पहले उसमें से हीट रिमूव होगा, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर विल बी रिमूव। तो स्पेसिफिक हीट हमारा क्या है, तो स्पेसिफिक हीट है हीट रिक्वायर्ड टू रिमूव, स्पेसिफिक हीट हमारा क्या है कि 1 ग्राम वाटर में जो हीट हमें रिमूव करनी है टू डिक्रीज द टेम्परेचर टू 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमें जो पानी है हमारा वाटर है उसको हमें उसका टेम्परेचर हमें डिक्रीज करना है। ओके, तो उसमें से हीट रिमूव होगी, तो स्पेसिफिक हीट हमारा क्या है कि 1 ग्राम हमारा वाटर में कितना हीट रिमूव होगा कि वो 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर उसका रीच हो, वही है हमारा स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट हमारा क्या है कि जो हमें हीट रिक्वायर्ड होगा, तो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर टू 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 ग्राम वाटर है उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए हमें 1 डिग्री सेल्सियस तक जाने के लिए हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, वो हमारा होगा स्पेसिफिक हीट। ओके, तो यहाँ फर्स्ट स्टेज में हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को रिमूव करेंगे। फिर सेकेंड स्टेज में जब हमारा वाटर कूल डाउन होगा तो स्लोली हमारा जो वाटर का स्टेट है वो चेंज होगा। तो इसीलिए इस जो सेकेंड स्टेज है उसमें जो हीट रिमूव होगी वो है लेटेंट हीट। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट हमारा क्या है कि जो टेम्परेचर है वो हमारा सेम होगा बट उसमें स्टेट में चेंज आएगा। जैसे कि वाटर है तो वो आइस में कन्वर्ट होगा। ओके, तो टेम्परेचर सेम रहेगा बट वाटर टू आइस स्टेट चेंज होगा हमारा। और थर्ड स्टेज में हमारा होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्रोजन फिश। ओके, तो जो फिश हमारी यहाँ स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन आ गया। ओके, तो टेम्परेचर हमारा सेम रहा बट वाटर टू आइस चेंज हुआ, तो वाटर टू आइस स्टेट चेंज हो गया, तो हमारा आइस फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। ओके, फिर वाटर तो आइस में कन्वर्ट हो गया, अब हमें जो हमारी फिश है फ्रोजन है उसमें से जो हीट है वो रिमूव करना है। तो इसीलिए हमें यहाँ स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्रोजन फिश रिमूव करनी है। ओके, फर्स्ट स्टेज में हमारा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर रिमूव होगा, सेकेंड स्टेज में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और थर्ड स्टेज में स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्रोजन फिश। तो ये था हमारा फ्रीजिंग के टाइम पे जो हीट रिमूव हुई वो। ये सिंपली रिमेम्बर के लिए है। तो यहाँ जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 4.2 जूल्स। ओके, तो इसे कैलोरीज में करेंगे तो 1 कैलोरीज। सिंपली रिमेम्बरिंग के लिए है ये। एंड देन स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस वो हमारा है 2.1 जूल, यानी 0.5 कैलोरीज। एंड देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस वो हमारा है 334.7 जूल, जो कि है 80 कैलोरीज। ओके, तो ये थोड़ा हमें अगर हम जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सिंपल है, उसे याद रखना होगा क्योंकि इसमें से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हमारा फ्रीजिंग कर्व है। तो इसमें जैसे आप ये ग्राफ देख सकते हैं, स्टेज हो गए स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा
वैसे वैसे हमारा फ्रीजिंग स्टार्ट होगा। तो पहले स्टेज वन में क्या होगा कि ड्रास्टिकली टेम्परेचर डिक्रीज होगा, फिर एक पॉइंट आएगा जिसे बोलेंगे सुपर कूलिंग। तो इस पॉइंट में क्या होगा कि टेम्परेचर तो डिक्रीज होगा बट जो आइस क्रिस्टल्स जो कुछ वाटर है वो आइस में कन्वर्ट नहीं हो गए सुपर कूलिंग में। ओके वाटर कन्वर्ट नहीं हो गए, फिर जैसे और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो फिर से स्मॉल वेरी स्मॉल टेम्परेचर चेंज आएगा, थोड़ा सा सिर्फ इंक्रीज होगा टेम्परेचर एंड देन फिर फ्रीजिंग होगा वो हमारा एकदम स्टार्ट होगा। तो -1 to -5 degree Celsius टेम्परेचर में टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता जाएगा और हमारा फ्रीजिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो हमारा फ्रीजिंग है ना वो -1 to -5 degree Celsius के बीच में होगा। तो इस पीरियड को हम थर्मल अरेस्ट टाइम भी बोलेंगे या फिर मैक्सिमम क्रिस्टलाइजेशन भी होगा इस स्टेज पर, स्टेज टू में। फिर मोस्ट ऑफ जो हमारा वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा इस स्टेज पर। और फिर जो हम स्मॉल हम टेम्परेचर चेंज करेंगे ना तो हमारा जो आइस है वो बहुत ज्यादा जो हमारा वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टेज थ्री में। तो फिर और हम टेम्परेचर स्मॉल टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो हमारा एकदम से वो फ्रीजिंग हो जाएगा, वो स्टेज थ्री था। तो ये स्टेज वन, स्टेज टू और स्टेज थ्री। ओके स्टेज वन में वाटर होगा वो कूल होगा बट आइस में कन्वर्ट नहीं होगा। फिर जैसे ही हमारा टेम्परेचर -1 to -5 के बीच में आएगा तो मैक्सिमम हमारा फ्रीजिंग होगा इस स्टेज में। और फिर लास्ट स्टेज में फ्रीजिंग तो हमारा हो ही गया होगा बट स्मॉल थोड़ा सा हमारा टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो बहुत ज्यादा इस स्टेज में फ्रीजिंग हो जाएगा। ओके क्योंकि जो हमारा वाटर फ्री वाटर था वो ऑलरेडी फ्रीज हो गया है, कुछ रिमेनिंग वाटर होगा वो इस स्टेज पर फ्रीज होगा। तो ये था हमारा फ्रीजिंग कर्व। ओके टेम्परेचर रेंज तो डिफरेंट टेम्परेचर में हमारा कितना वाटर फ्रीज हुआ है वो हम मेंशन करेंगे। तो हमारा -1 degree Celsius में क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होगा। तो -1 degree Celsius में क्रिस्टलाइजेशन है वो स्टार्ट हुआ एंड देन -3 degree Celsius में 70% फ्रीजिंग हुआ एंड देन -5 degree Celsius उसमें 80% हमारा फ्रीजिंग हुआ एंड देन -25 degree Celsius उसमें अबाउट 90% फ्रीज हुआ एंड देन -50 to -60 degree Celsius मोस्टली एवरीथिंग इज फ्रोजन हियर। तो ये जो हमारा टाइम पीरियड है -3 to -5 उसे हम जोन ऑफ मैक्सिमम क्रिस्टलाइजेशन भी बोलेंगे। तो जोन ऑफ तो ये हमारा जोन ऑफ मैक्सिमम क्रिस्टलाइजेशन हुआ। ओके और एक रिलेशन है तो हमारा जो फ्रीजिंग टाइम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा प्रोडक्ट थिकनेस से। ओके तो जो हमारा फ्रीजिंग टाइम हुआ वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ प्रोडक्ट थिकनेस से। ओके और इसमें हम एक स्लो फ्रीजिंग और क्विक फ्रीजिंग का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो स्लो फ्रीजिंग हमारा क्या है, स्लो फ्रीजिंग में 30 मिनट्स और मोर टाइम होगा तो वो स्लो फ्रीजिंग होगा। बट स्लो फ्रीजिंग में क्या होगा, जो हमारे आइस क्रिस्टल्स हो गए वो बहुत ही बड़े हो गए, तो इसमें बिग आइस क्रिस्टल्स हो गए। तो इसी के आइस क्रिस्टल्स बिग हो गए तो हमारा जो फिश का प्रोडक्ट होगा उसे खराब करेगा। ओके
तो इसीलिए मोस्टली क्विक फ्रीजिंग प्रिफर किया जाता है। इसमें क्या होगा कि जो हमारा फ्रीजिंग होगा वो लेस देन 30 मिनट्स होगा, टू लेस देन 30 मिनट्स में ये हमारा प्रोडक्ट को फ्रीज कर देगा। लेस देन 30 मिनट्स प्रोडक्ट को फ्रीज करेगा और इसमें जो आइस क्रिस्टल्स होंगे वो हमारे एकदम स्मॉल होंगे और बेस्ट होगा हमारे प्रोडक्ट के लिए। और इससे हमारा जो शेल्फ लाइफ है वो भी इंक्रीज होगी, बट इसमें हमारी शेल्फ लाइफ डिक्रीज होगी। ओके ओके, सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर टू अवर वीडियो। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।